अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, हम लोग चैप्टर नंबर वन को ही कंटिन्यू करेंगे। ये पेज नंबर थ्री है, फर्स्ट पैराग्राफ। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी बिकम ओल्डर, आवर हेयर टर्न्स ग्रे, बोन्स बिकम वीक, आवर स्किन गेट्स रिंकल्ड। जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। पहले बच्चे होते हैं, छोटे से होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, फिर हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो हमारा हेयर कलर जो होता है ब्लैक से वाइट होना शुरू हो जाता है। हमारी बोन्स जो स्ट्रांग होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। हमारी स्किन जो फ्रेश होती है इतनी, उसमें रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थ्रू आउट द लाइफ हमारी सेम ही रहती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ नीचे पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, ऑल्दो वी चेंज एज वी ग्रो, देयर आर सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डू नॉट चेंज थ्रू आउट आवर लाइव्स। इफ डू यू नो व्हाट कलर ऑफ योर आईज, if they are brown they will remain brown, in a similar way black eyes remain black, the color of your eyes doesn't change as you grow। सही, इसमें बता रहे हैं कि हमारा आई कलर थ्रू आउट द लाइफ हमारा सेम ही रहता है। अगर ब्राउन है तो ब्राउन ही रहेगा, ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा, आई कलर चेंज नहीं होता। इसी तरीके से पेज नंबर फोर पे देखें, अनदर स्पेशल थिंग इन आवर फिंगर इज आवर फिंगर प्रिंट्स, दे नेवर चेंज, दे रिमेन द सेम फ्रॉम आवर बर्थ टू ओल्ड एज। हमारे फिंगरप्रिंट्स भी चेंज नहीं होते, ये भी थ्रू आउट द लाइफ सेम ही रहते हैं। जो हमारे बर्थ टाइम पे फिंगरप्रिंट था वो हमारे ओल्ड एज में भी यही फिंगरप्रिंट रहेगा। इसी तरह पेज नंबर फोर सेकंड पैराग्राफ, लाइकवाइज और हेयर लाइन डज नॉट चेंज एज वी लॉन्ग एज वी लिव, सम ऑफ अस हैव अ हेयर लाइन डेट गोज स्ट्रेट अक्रॉस आवर फोर हेड, अदर्स हैव अ हेयर लाइन डेट फॉर्म्स अ वी शेप। सही, अगर हम लोगों की हेयर लाइन स्ट्रेट है तो वो थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रेट ही रहेगी, और अगर हमारी वी शेप है तो हमारे वी शेप ही रहेगी। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका काम करेंगे, आप लोग इसका टाइटल पेज बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं इसका काम सेंड कर दूँगी।